नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे HitBTC एक्सचेंज के बारे में, जानेंगे कि HitBTC एक्सचेंज के ऊपर जो आपका बैलेंस है मेन अकाउंट के अंदर, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप जैसे ही अपने HitBTC एक्सचेंज के अकाउंट को लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस होता है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखाई देगा ट्रेडिंग बैलेंस। ट्रेडिंग बैलेंस में दोस्तों आपका जितना बिटकॉइन होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर 0.06 बिटकॉइन जो है अभी अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू, और इसके अंदर आप बिटकॉइन देख पाएंगे 0.11, यानी कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर बैलेंस है वो इस बैलेंस से ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ अमाउंट जो है हमारा अभी भी मेन अकाउंट के अंदर बचा हुआ है। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरह से अगर दिखाई दे रहा है, अगर आपका कुछ बैलेंस जो है वो मेन अकाउंट के अंदर है, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बिटकॉइन के फॉर्म में बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको बिटकॉइन के फॉर्म में बैलेंस जो है दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जितना आपके पास मेन अकाउंट का अंदर बैलेंस होगा वो आप अपने अकाउंट के अंदर देख पाएंगे, और कितना ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर होगा वो आप देख पाएंगे, क्योंकि वो आपको पता होगा। अब दोस्तों इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर है BTC यानी कि बिटकॉइन। बिटकॉइन आपको सबसे ऊपर यहां पर दिखाई देगा, और इसके सामने आप देख पाएंगे दोस्तों कि मेन अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है 0.05, और यहां पर आप देख पाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास जो बैलेंस है वो आपने पहले भी देखा था कि 0.06 अभी यहां पर अवेलेबल है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इस वाले बैलेंस को भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि अगर ये मेन अकाउंट के अंदर अवेलेबल है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते ट्रेडिंग के लिए, जब तक हम इस बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। दोस्तों इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर बीच में देख सकते हैं ट्रांसफ़र का बटन आपको दिखाई देगा, और इसके नीचे आप देख पाएंगे दोस्तों ये तीर के दो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो ऊपर वाला तीर का निशान है दोस्तों, वो संबोधित करता है कि आपका जो ये बैलेंस है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर नीचे वाला जो आप तीर का निशान देख रहे हैं, जो यहाँ पर आपका बैलेंस होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे मेन अकाउंट के अंदर। दोस्तों दोस्तों हम चाहते हैं इस बैलेंस को जो है मेन अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो सबसे ऊपर वाले तीर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अमाउंट लिखा है, और इसके अंदर आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है 0.05 जो आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है आप यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 0.02 अगर यहाँ से ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 2 भी आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप सारा बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहेंगे 0.03, और इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर टाइप करने के बाद नॉर्मली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ट्रांसफर के ऊपर। जैसे हम ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है दोस्तों वो थोड़ी देर में यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 0.02 बचा हुआ है, यानी कि हमने 0.03 यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर जो हमारे पास था दोस्तों 0.06 बैलेंस, वो अब हो चुका है 0.09, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सारा जो है प्रोसेस दोबारा से भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपना मेन अकाउंट का बैलेंस जो है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो के दौरान इससे रिलेटिव और भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऑनलाइन में अर्निंग से रिलेटिव जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते हैं, या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से रिलेटिव जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में मिलती रहे, और आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या अपडेट को मिस ना कर पाएं और ऑनलाइन में अर्निंग का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज़ अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।